जी ये तो सारी दुनिया देख रही है और रामपुर वालों को लिए एक आश्चर्य की बात हो रही है, क्योंकि एक आज़म बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेक हैं और समाज सेवा करते हैं और जनता, वो गरीब घर में रहते हैं और वो उस मोहल्ले में रहते हैं कि जो एक बड़ी गाड़ी भी नहीं चलती है। आज एक आज़म ऐसा है कि 400 करोड़ का एकड़ का जो ज़मीन लेकर वो यूनिवर्सिटी का चांसलर बनकर, आजीवन चांसलर बनकर वो रह सकता है। तो बात इसमें है कि आज भू माफिया के नाम से उन्होंने 5000 हेक्टार का जो भूमि अपने यूनिवर्सिटी में ले लिया है। तो प्रशासन अपना काम कर रही है ना, ये प्रशासन जानबूझ के उनको परेशान नहीं कर रही है। उन्होंने ये किया है कि आपको पता है कि वो किसान लोगों ने, किसान अपने ज़मीन के लिए रोते रोते प्रशासन के पास गए तो तब ये बात उठी है। तो आज जो किताबों की बात हो रही है, ये यूनिवर्सिटी में जो आज़म के यूनिवर्सिटी में उन किताबों के जो की शिकायत हुई है वो शिकायतें पाए गए हैं। तो यही नहीं है, मूर्तियां भी पाए गए हैं। एक हेरिटेज वाली जो बुक्स है वो बुक्स आज़म के यूनिवर्सिटी में कैसे आया है, ये सारे चीज़ को देखने के बाद आज़म कितना भी रोए, कितना भी वो बोले कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन बात यह है कि ये आदमी हर चीज़ में, चाहे ज़मीन हड़पना हो चाहे बुक्स हो, तो ये भू माफिया भी है और शिक्षा माफिया भी है। तो अखिलेश यादव क्या इनका सीधा बचाव करते हैं? देखिए अखिलेश को, अखिलेश पता नहीं है किस मोह में रहते हैं। अखिलेश आज जो किया था वो बहुत बड़ा गलती की रहे। अखिलेश ने लोगों को चाहा है, लोगों को भड़काया, लोगों को पूरे जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को रामपुर के लिए कहा था कि घेरो, प्रशासन को घेरो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर अखिलेश कौन है? एक एमपी है, अखिलेश एक पार्टी का एक लीडर है, तो ये कौन हो सकता है कि पूरे प्रदेश को वो दंगे कराने के लिए, रामपुर में भड़काने के लिए आते हैं? तो सबसे पहले मैं प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से मैं अवगत कराना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो भी कार्रवाई करना हो तो अखिलेश के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि अखिलेश जिम्मेवारी है कि आज के इस तरह के रामपुर में जो लोगों को भड़का के भेजना, एक कानून को, एक व्यवस्था करने वाले पुलिस के ऊपर शिकायत करना, और जो गलती किए हैं, जो अब्दुल्ला लगातार, जैसे बाप है वैसे बेटा भी, जैसे बाप का जुबान चलता है वैसे बेटा भी चलाता है, तो पुलिस अपना काम करते हैं तो उन लोगों को, गुंडे लोगों को लेकर आके वो बाधा डालता है, तो पुलिस अपना काम करेगी ही। शिक्षा के मंदिर में चोरी की किताबों से जो शिक्षा देने का वो था, पकड़ी गई है, उसमें क्या कहेंगे? तो अभी तो वो रो रहे हैं उस तरह का कि हमारे यूनिवर्सिटी बंद होने वाला है, हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे, ये पहले सोचना है। किसी के यूनिवर्सिटी से आप किताबें हड़पने के बाद, किताबें चोरी करने के बाद, ये दूसरों के, मतलब आपको नज़र किस पर डालते हो वो अपना हो जाना, ये सही बात नहीं है। मतलब ज़मीन आप जितना नज़र आप ज़मीन पर डालते हो वो ज़मीन आपका हो जाना चाहिए। जो लोगों को आप महिलाओं को देखते हैं तो उनके महिलाओं के बाहर अभद्र टिप्पणी करते हैं, ऐलान करने के बाद भी अखिलेश आएगा नहीं, डर के मरे आएगा नहीं, क्यों आएगा? सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए काम करते हैं, वो खुद आके यहाँ पे खड़ा होके बात करें तब बताएंगे क्या होता है। दूसरा हेरिटेज, जो रामपुर का हेरिटेज थे, लॉयंस थे, जो एक बार रामपुर क्लब की शान हुआ करते थे, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर मिले हैं और वहाँ पे भी बताया गया कि ये तत्काल जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपील करती हूँ कि जल्दी इनके जितने जो केसेस है वो पूरा जो है उनके ऊपर एक्शन तत्काल होना चाहिए। और मैं अपील करती हूँ कि जितने जो और भी जो हेरिटेज मूर्तियाँ हैं वो अगर यूनिवर्सिटी में अगर हों तो वो पूरे के पूरे वो पुलिस वाले उसको निकाले और उनको अपने धरोहा, इसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोई इलेक्शन का दौर था, पब्लिक से आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट हुई, और क्या क्या कंप्लेंट्स आपके पास ऐसी आई कि जो अभी और प्रशासन को इसमें आप मानती कि जांच की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए अभी तक जो है 26 जो किसानों का जो ज़मीन के बारे में अवगत कराया है और
करोड़ों रुपए इनके यूनिवर्सिटी के ऊपर उन्होंने दिया है। और दूसरी बात यह है कि हमने केस भी लगाया कि इलाहाबाद में केस भी हमने इनके खिलाफ फाइल किया है। तो उसमें हमने ये भी किया है कि ऑफिस ऑन प्रॉफिट, तो जो इंसान दो पद पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आज़म खान वो लाइफ टाइम चांसलर भी हैं, अब वो सांसद भी हैं, तो उसके अंदर इस यूनिवर्सिटी में सरकारी जो जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सारे इन्होंने इस्तेमाल किया है और इन्होंने एंजॉय भी किया है। तो आज मैं इसी के नाम से मैं वहाँ पे जो अदालत में हमने इसका केस फाइल किए हैं और 21 अगस्त को इनका तारीख भी है। सरकार में शाहिनशाह थे तभी किया इन्होंने रामपुर में सब ऐसा। देखिए ये तो अपने आप को बहुत अल्लाह से ज़्यादा मानता है, ये इंसान के लिए ठीक नहीं है। इसका अहंकार, इनके गुरूर तोड़ने के लिए ऐसे जो सत्ता, ऐसे जो सरकार हमारी आई है तो इनको सबक सिखाएगी। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने जो गलत को गलत और सही को सही करने के लिए एक सिस्टम लगाया है, का इतना जो सम्मान मुझे दिया जाता है तो मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और इस तीज उत्सव में मुझे बुलाया और ये ख़ास तौर महिलाओं का एक खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके पर मुझे यहाँ पे अग्रवाल परिवार ने, वंश के उनके अग्रवाल वंश के परिजनों ने मुझे यहाँ बुलाना और इस प्रोग्राम में शामिल होना मेरे लिए गर्व की बात है। आज सबसे पहले मैं आपके जो सवाल है, इस सवाल में मैं यही जवाब देना चाहती हूँ कि आज़म खान अपने आदतों से मजबूर है, वो कब क्या कहते हैं किसी को पता नहीं चलता है, हमेशा एक के ऊपर ये गलतियाँ करते रहते हैं। इसी दौरान मुझे चुनाव के दौरान में, आपको पता है कि चुनाव में मुझे क्या क्या टिप्पणी किए हैं, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के अंतर्वस्त्र के बारे में भी बात करने के लिए हिम्मत रखते हैं। तो ये सांसद बनने के बाद भी वो समझते हैं कि वो अल्लाह से बढ़कर हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप तो इंसान हैं और इंसान अपने परिधि में रखना, परिधि में बात करना रखता है, और आप सांसद चुनकर संसद में गए हैं तो आप अपने संसद का गरिमा भी रखना भूल गए कि जो पीठासीन महिला रमा देवी जी स्पीकर के रूप में बैठी हैं और उनके ऊपर उन्होंने जो मतलब सड़क छाप के जो रोमियो जिस तरह बात करते हैं उसी तरह उन्होंने जिस तरह उनके ऊपर टिप्पणी किए हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरह ये उम्मीद नहीं थी कि इतने साल, मैं भी 16 साल सांसद रही, लेकिन कभी इस तरह का जो कंडक्ट किसी सदस्य ने इस तरह का हिम्मत नहीं किया। मैम उनकी यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से चोरी की किताबें मिली हैं, शेर की मूर्ति मिली है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि कई मुकदमे आज़म के ऊपर अभी लगी हुई हैं और प्रशासन को बहुत कोसते हैं आज़म खान, लेकिन असली बात यह है कि ये ज़मीन जो है गरीब लोगों का और गरीब लोगों की ज़मीन है, उन्होंने शिकायत करने पर ये मुद्दा बाहर निकला है। और ख़ास तौर ज़मीन से लेकर जो हज़ारों एकड़ जो है, हज़ारों हेक्टर, 5,000 हेक्टर का ज़मीन यूनिवर्सिटी में रखा गया है, उसके ऊपर मुकदमा किया गया है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट में उन्होंने जो टिप्पणी किए हैं, उसके बाद जो मदरसा अलिया जो यूनिवर्सिटी है उनके जो प्रोफेसर ने शिकायत किए 6 महीने पहले, तो आज उनकी शिकायत के नाम पर वहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी में गए तो पुलिस ने जब्त किए हैं लगभग 2,500 बुक जो है उन्होंने जब्त किए हैं, तो उसके लिए भी उनके खिलाफ जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं और उल्टा जो उन्होंने जो चोरी के लिए जो उनको शर्म नहीं है, लेकिन उल्टा जो है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने विरोध दर्ज किया, नेशनल हाईवे जाम किया, रामपुर पे जाकर वो विरोध कराना चाह रहे थे, तो इस पर क्या कहें? देखिए आज जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है,
मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ अखिलेश से। अखिलेश, आप मुख्यमंत्री थे, अब नहीं हैं, आप प्रदेश के लिए कोई मुखिया नहीं हैं, आप एक पार्टी का अध्यक्ष हैं, किस हक से आप आपका अपने कार्यकर्ताओं को रामपुर के ओर आप जो है धरना के लिए आप भेजा जा रहे हैं? मतलब रामपुर में दंगा करवाना चाहते हैं, रामपुर के जो शांति माहौल को भंग करना चाहते हैं। मैं पुलिस और प्रशासन को भी और मुख्यमंत्री जी को भी अपील करती हूँ, इस तरह जो कानून को अपने हाथ में लेकर जो कार्यकर्ताओं को रामपुर के तरफ वो भड़काना, तो इनके ऊपर भी केस लगना चाहिए। और ये शांति को भंग करने के लिए पूरी प्रयास किया है। और मैं अखिलेश को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने हद पे रहना ज़रूरी है। आप कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है कि आप हुक्म चलाएं और जनता आ जाए। जनता नहीं आया है, सिर्फ कार्यकर्ता आने की कोशिश किए हैं, और बड़े बड़े जो पद पे रहे वो सब गायब हैं। सिर्फ कुछ आम जनता आई हैं, आम कार्यकर्ता आए हैं, उनको आपने तकलीफ दिया है। और जो माहौल, शांति माहौल था रामपुर में, उसको भंग करने का प्रयास कर रहे हो। तो आज अखिलेश का जो असली रूप दिख रहा है कि अखिलेश सत्ता के बगैर रह नहीं सकता है। तो आज हमेशा आजम खान जो करता है फ्रॉम द बिगनिंग, शाहबाद से लेकर, शाहबाद में आजम ने टिप्पणी किया है, तो उसी वक्त मंच पर होने के बावजूद आजम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा है। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट में आजम ने जब बदजुबान चलाया, तो उस वक्त भी रोकने की कोशिश नहीं किया ये अखिलेश। अब ये तीसरी बार रामपुर के माहौल को ख़राब करने, रामपुर में दंगा फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी मैं अवगत कराना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को कार्रवाई करना चाहिए, इनको सजा दिलाना चाहिए। जय जी, जय जी, एक अभी बयान आया है जो है वहाँ के सीएम जो है जम्मू की और पश्चिम बंगाल से जो है बनर्जी, उन्होंने तीन तलाक का अपोज किया, तीन तलाक के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल अभी का शाम का एक उनका वर्जन दोनों का आया, देखा मैंने। आप महिला हैं, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये तो खास तौर मुस्लिम महिलाओं के लिए एक ये वरदान है। ये जो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को भी, और वहाँ के जो जितने जो जो पद में जो हैं उनको भी, और ये जो तीन तलाक को सदन में लाकर इसको पारित करना बहुत बड़ी बात है। ये सदियों से चला आ रहा है, महिलाओं को, महिला पीड़ित हैं, खासतौर मुस्लिम महिलाएं, जो ये महिलाएं जो है बहुत खुश हैं आज। और महिलाएं ये भी कह रहे हैं कि यह हमारे लिए मोदी जी ने जो किया है वो हम जीवन भर भूल नहीं सकते। एक एक हादसा मैं महिलाओं के सुनते हुए आ रही हूँ। तो आज महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो बात हो रही है, ये सही जगह पे, सही समय पे हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिला विरोधी भी हैं, उनमें से जो नेता मानते हैं, जो नेता कहलाया जाता है, उसमें मुफ्ती जी और मुफ्ती जो वो भी और ममता जी, इन दोनों ने खास तौर महिलाओं के लिए जो सुविधाएं, जो प्रावधान आया है, उसको विरोध करने में कोई मतलब नहीं है। ये महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, ये सही नहीं है। ये वो लोग महिला विरोधी लोग हैं। और खास तौर हमारे ऊपर भी जो हुआ है, जब आजम खान टिप्पणी किया है, तो ये लोग कोई भी महिलाओं के लिए खड़े होकर एक बात भी, शब्द भी नहीं कहा है। तो जयाप्रदा की बात नहीं कर रही हूँ, सारे आवाम के, सारे महिलाओं के, पूरे देश के सम्मान की बात जब उठी है, तो मैं उस लड़ाई लड़ने के टाइम भी इन दोनों ने कभी उनके बात ही नहीं किया। आज भी जब दुनिया, जो मुस्लिम खासतौर महिलाएं ये खुशी मना रही है, मिठाई बांट रही है, और अल्लाह को नाम लेके ये खुशी को सही इस्तेमाल किया है कि महिला के प्रोटेक्शन के लिए बात हो रही है, महिलाओं की जीवन की बात हो रही है, महिलाओं की शादी की बात हो रही है, निकाह की बात हो रही है, तो एक ऐसे लोग जो महिलाओं के विरोध कर रहे हैं। ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे आजम खान जी की जो वाइफ है, वो किसी भी टिप्पणी पे अपने हस्बैंड का और अपने बेटे का जिस तरीके से डिफेंड करती है, तो एक महिला होने के नाते ये किस तरीके का? देखिए, ये एक्चुअली फातिमा जी मेरी भाभी जैसी है, लेकिन महिला होने के बाद भी वो कभी भी महिलाओं के समर्थन नहीं करती है।
अब बात यही है, इसमें आपको साबित होती है कि एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद भी वो तीन तलाक के जो वोटिंग हो रहा था उस वक्त मौजूद नहीं है हाउस में। इससे पता चलता है कि ये महिला विरोधी है। और जैसे जो उनके पति है जो आज़म खान महिलाओं की टिप्पणी करते हैं, तो उसी तरह उनकी वाइफ भी आज़म के लिए हाँ हाँ बोलने वाली है। तो इसीलिए हम उसके बारे